अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। तो हम ये सिर्फ एप्पल से बनाने वाले हैं, यानी कि एप्पल फ्रूट कस्टर्ड। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। और सच में आपको अगर झटपट कोई मीठा खाने का मन करे ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले 3 एप्पल लेंगे। तो इसे हम छील लेंगे। सारे एप्पल को छील कर साफ़ कर लेना है, और इसके अंदर से जो बीज हो गए ना, वो भी सारे निकाल लेने हैं। तो बिल्कुल अच्छे से हम जो है इसे साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसे इस तरह से टुकड़ों में कट करेंगे, और आधा एप्पल हमने जो है इसी तरह साइड में रख दिया है, और बाकी के सारे जो है एप्पल है ना, उसको हम बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें सारे जो है एप्पल के पीसेस बना लेने हैं, और फिर इसे भी हम साइड में रख देंगे। और जो ये आधा एप्पल है ना, इसे हम पीस लेंगे। तो इसे हमें जो है कस्टर्ड में मिक्स करना है, इसलिए इसे हम जो है पीस लेंगे। तो आप इसे मिक्सी में डालकर पीस भी सकते हैं, लेकिन जो है पीसना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जल्दी काला नहीं पड़ेगा। तो अगर आप पीसेंगे तो ये फ़ौरन काला पड़ जाएगा। तो देखिए, हम इस तरह से इसे पीस लेंगे, और इसके बाद जो है इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ हमने जो लिया है 1 कप भर कर दूध, इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर मिलाई है 1/4 कप। तो ये जो वीडियो है ना, मेरा थोड़ा स्किप हो गया था, इसके लिए सॉरी। और यहाँ हमने आधा लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया है। अब इसमें जो है कस्टर्ड पाउडर का जो मिल्क है ना, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो टोटल ये 1.25 लीटर दूध है। तो अब इसे हम अच्छे से जो है लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट पका लेंगे। तो जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए ना, उस टाइम तक पकाना है। इससे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप चीनी, और आप जो है इसे 5 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पर पका लें। जब ये गाढ़ा हो जाए, इसके बाद हम इसमें एप्पल मिक्स करेंगे। जो पिसा हुआ एप्पल था ना, वो हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब फ्लेम को लो ही रहने देंगे, और 2 मिनट इसे और पकाएंगे। अब ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट इसे पका लेंगे। और इसके बाद जो है, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे बटर, और इसके बाद कट किए हुए सारे एप्पल डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, तो 1/3 कप चीनी इसमें भी हम ऐड करेंगे। तो देखिए, कस्टर्ड में भी हमने इतनी ही चीनी डाली थी, अब एप्पल में भी हम 1/3 कप चीनी ही डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो है 1/4 टीस्पून हमने इसमें सिनेमन पाउडर मिलाई है, यानी दालचीनी की पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो 10 मिनट इसे लो मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। और जो है इसके बाद जब इस तरह से गोल्डन हो जाए ना, इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और 3-4 मिनट इसे हम पका लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा जो है एप्पल बनकर रेडी है। इसे जो है हम साइड में रख देते हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ हमने जो है इस तरह से बाउल लिए है, आइसक्रीम बाउल है ये। इसमें हम इसे सेट करने वाले हैं। आप किसी भी एक बाउल में भी इसे सेट कर सकते हैं, और जो है इसमें इसे फ्रिज में रख कर खाए। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है। तो इस तरह से देखिए, नीचे हमने एप्पल डाला है, ऊपर से कस्टर्ड डाला है, फिर से ऊपर से हमने इस तरह से एप्पल डाला है, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये टूटी फूटी डालेंगे। इससे बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी ये लगता है। आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड, यानी कि एप्पल कस्टर्ड बनकर रेडी है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त, और कितनी आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए ना जाएं। अल्लाह हाफिज़।